एक्सरसाइज 2.7 में हम पहुंच गए हैं। अगर आप पिछले एक्सरसाइज के वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूं, आप जाके उसको चेक कर लेना, आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.7। इसमें जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये डिवाइड करना है डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से। तो डेसिमल नंबर को होल नंबर से किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, क्या इसका प्रोसीजर होगा, चलिए देखते हैं व्हाइट बोर्ड में। डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए डेसिमल नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जिस तरीके से फ्रैक्शनल नंबर का डिवीजन किया जाता है उस तरीके से उसको डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला प्रॉब्लम से। जो फर्स्ट का पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है वह है 0.4 डिवाइडेड बाई 2। अब 0.4 एक डेसिमल नंबर है और दूसरा जो दिया है वो होल नंबर है। तो इस डेसिमल नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये होगा 0.4 डिवाइडेड बाय 10। 0.4 डिवाइडेड बाय 10 कैसे आया? जब भी फ्रैक्शनल नंबर को सॉरी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतना डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स में लिखा जाएगा। जैसे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक जीरो आएगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा। अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट होता तो ये 2 जीरो हो जाता, यानी कि 100 हो जाता। और अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट होता तो ये 1000 हो जाता, उसी तरीके से बढ़ते जाएगा। उसके बाद ये हो गया 0.4 by 10, यानी कि ये फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट हो गया डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे फ्रैक्शनल नंबर का डिविजन करते थे होल नंबर के साथ उसी तरीके से यहां पर अब ये डिवाइड होगा। तो ये किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं इसको। फ्रैक्शनल नंबर का डिवीजन करने के लिए डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करने के बाद इसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। ये हो जाएगा 0.4, या फिर आप इसको सीधा 4 लिख सकते हो, 4 by 10। ये डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और ये हो जाएगा 1 by 2। ठीक है, ये 2, अब यहां पर ये 2 by 1 है। अगर 2 के नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 2 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, डिवीजन साइन को मल्टीप्लीकेशन साइन में चेंज कर देंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो 4 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है। जब भी दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो उसको डिवाइड किया जाता है। दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप डिवाइड कर लो। ये हो गया 2 1 2, ये 2 2 4। अब ये दोनों 1 हो गया है, हमारे पास जो फाइनल फ्रैक्शन बचा हो गया 2 1 2 और 10 1 10, 2 by 10। अब 2 by 10 एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसको आपको डेसिमल नंबर में वापस लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे आपको पता है, डिनोमिनेटर में जितने जीरो है न्यूमरेटर में उतने डिजिट के पहले एक डेसिमल लग जाता है। यहाँ डिनोमिनेटर में एक जीरो है और ऊपर डेसिमल ऊपर न्यूमरेटर में एक ही डिजिट है तो 2 के पहले एक डेसिमल लग जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.2 या 0.2। इसका सेकेंड प्रॉब्लम ले लेते हैं। जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है वो है 0.35 डिवाइडेड बाय 5। यहां 0.35 को 5 से डिवाइड करना है तो फिर से वही करेंगे। 0.35 एक डेसिमल नंबर है, उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.35 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट स्टेप, डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 100, डिवीजन का साइन हो गया मल्टीप्लीकेशन, इसका हो गया रेसिप्रोकल 1 by 5। अब आप देख सकते हो 35 न्यूमरेटर में है और 5 डिनोमिनेटर में है, दोनों ही 5 से डिविजिबल है तो 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जाएगा 5 1 5, ये होगा 5 7 35। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से, 7 1 7 डिवाइडेड बाई 100 into 1 100, ये आ गया 7 by 100। अब 7 by 100 को अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट के पहले एक डेसिमल लग जाएगा। यहां पर हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है 7, तो 7 के पहले एक और डिजिट लगा लेंगे 0। अब 2 डिजिट हो गया, यहां लगेगा डेसिमल, तो आंसर होगा 0.07 या फिर 0.07। कभी अगर पॉइंट के आगे कुछ ना हो तो आप 0 ले सकते हो। ये हो गया सेकेंड प्रॉब्लम। अब देख लेते हैं इसका थर्ड प्रॉब्लम। अगर कोई डाउट हो रहा हो, किसी पॉइंट में कुछ समझ नहीं आ रहा हो,
तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मेरे को ईमेल करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। थर्ड प्रॉब्लम जो दिया हुआ है 2.48 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां पर भी 2.48 को पहले फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा 248 डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो 100 से डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप, यहां पर डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, ये होगा 248 डिवाइडेड बाय 100, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, हो जाएगा 1/4। अब यहां पर आप देखो 248 और 4 दोनों इवन नंबर है, दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, ये हो गया 2 2 4, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे ये होगा 2 1 2 2 2 4 और 2 4 8, फिर से दोनों जो है इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर सकते हो, आप चाहो तो एक ही बार में 4 से डिवाइड कर सकते हो इसको, तो ये 2 से डिवाइड कर लेंगे अगेन, ये 2 1 2 और यहां आ जाएगा 2 6 12 और 2 2 4, तो अब बच गया हमारे पास 62/100, और ये तो दोनों 1/1 है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो 62/100 ही आएगा। अब अगर इसको फ्रैक्शनल नंबर में लिखना हो तो नीचे जितने भी जीरो है वो न्यूमरेटर में राइट साइड से दो डिजिट के पहले या उतने डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, जैसे कि यहाँ 2 0 है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से दो डिजिट काउंट करके 1 2 इसके पहले लगेगा डेसिमल, ये होगा 0.62 या लिख सकते हो 0.62। इसका फोर्थ प्रॉब्लम ले लेते हैं, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ प्रॉब्लम है 65.4 डिवाइडेड बाय 6। अगर 65.4 को 6 से डिवाइड करना है तो 65.4 को पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट, सॉरी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 654 डिवाइडेड बाय 10। 10 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है इसलिए डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 6। अब यहां पर डिवीजन का साइन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के लिए 6 का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 6 के नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 654 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/6। अब यहां पर 6 भी एक इवन नंबर है और 654 भी एक इवन नंबर है, दोनों को आपस में आप डिवाइड कर सकते हो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 6 हो गया, यहां पर आएगा 2 3 6, 2 2 4 बच गया 1 इधर गया 4 के पास, ये हो गया 14, 2 7 14। अब यहां 3 है और यहां 327 है, देख लेते हैं, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, क्या 327 3 से डिविजिबल है, देख लेते हैं, 3 1 3 3 9 27 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 के पहले 3 से 1 टाइम में डिवाइड हो गया 3, अब 2 डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए 0 टाइम्स में, उसके बाद आगे 27 तो 3 9 27, तो हमारे पास आ गया 109/10। 109/10 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो नीचे 10 है न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, ये होगा 10.9। इसी तरीके से देख लेते हैं इसका फिफ्थ प्रॉब्लम ले लेते हैं इसका, ये होगा 651.2 डिवाइडेड बाय 4। अब एक काम करेंगे, 651.2 डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये होगा 6512 डिवाइडेड बाय 10, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है इसलिए डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया डिवाइडेड बाय 4। अब इसको डिवीजन का साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और 4/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6512 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/4। ये 6512 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, आप चाहो तो 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, 10 या 100 जो कुछ भी रहेगा उसे डिवाइड कर सकते हो, मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि जब फाइनल आंसर हमारा आएगा तो फाइनल आंसर में हमको या तो 10 चाहिए या 100 चाहिए या 1000, इसके वो रहेगा तो इजीली जो है हम नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो ये राउंड फिगर में रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए इसको डिस्टर्ब ना करें। तो ये हो जाएगा 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, ये आएगा 4 1 4 बच गया 2, 2 इधर चले गया 25,
फोर सिक्स 24, वन बज गया इधर चले गया, ये हो गया 11, टू टाइम्स में 8, थ्री बज गया थ्री इधर चले गया, ये हो गया 32, एट टाइम्स में 32, ये हो गया 1628 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 01 है नीचे में तो ऊपर में राइट साइड से एक डिजिट के पहले एक डेसिमल लगेगा, ये होगा 162.8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सिक्स प्रॉब्लम देख लेंगे इसका। 14.49 डिवाइडेड बाय 7। अब 14.79 को 7 से डिवाइड करना है, इसको फ्रैक्शनल नंबर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो यानी कि 100 से डिवाइड होगा, ये होगा 1449 डिवाइडेड बाय 100। जब आप फ्रैक्शनल नंबर में लिख लोगे जैसे ही तो ये डेसिमल हट जाएगा, यहां पर आपको डेसिमल नहीं लगाना है, जैसे ही आप 100 बाय 100 लिख लिए तो ये डेसिमल हट गया। उसके बाद होगा ये डिवाइडेड बाय 7। अब इसका 7 का रेसिप्रोकल लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज कर लेंगे, होगा 1449 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 बाय 7। 7 की टेबल में 1449 आ जाता है, डिवाइड हो जाएगा, आप अगर करके देखोगे हो गया 7 1 7, ये हो गया 7 2 14, 4 डिवाइड नहीं होगा तो हो गया 0 और 49 होगा 7 टाइम्स में, 7 7 49, आंसर आएगा 207 बाय 100। अब इसको आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, नीचे में 20 है, ऊपर में राइट साइड से दो डिजिट के पहले एक डेसिमल लगेगा, 1 और 1 2 यानी कि 0 के पहले डेसिमल लग जाएगा, होगा 2.07। आगे बढ़ते हैं, इसका जो 7th प्रॉब्लम दिया हुआ है देख लेते हैं 7th प्रॉब्लम क्या है। पिछले एक्सरसाइज के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, अगर आप वो एक्सरसाइज नहीं देखे हो या किसी प्रॉब्लम में डाउट है तो आप जाके देख सकते हो, और ईमेल आईडी भी है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को ईमेल कर लीजिए। 7th प्रॉब्लम देख लेते हैं, 7th है 3.96 डिवाइडेड बाय 4। यहां पर भी 3.96 को डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट था इसलिए डिवाइडेड बाय 100, ये होगा डिवाइडेड बाय 4। आगे इसका डिविजन साइन अगेन सेम मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, 4/1 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, 1/4, ये होगा 396 बाय 100 इंटू 1/4। 4 से 396 डिवाइड हो सकता है, या आप चाहो तो 2 से पहले डिवाइड करके उसके बाद फिर अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हो, दोनों ही इवन नंबर है। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4, ये 39 4 के टेबल में नहीं आता है, 36 आएगा, 9 टाइम्स में 4 9 36, अगेन 4 बज गया, सॉरी 3 बज गया तो 3 इधर गया, ये हो गया 36 अगेन 9 टाइम्स में 99/100। तो ये इसका अगर डेसिमल में लिखना चाहो तो ऊपर में राइट साइड से दो डिजिट के पहले डेसिमल आएगा क्योंकि नीचे में 20 है, तो ये होगा 0.99 या 0.99। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं इसका, 8th प्रॉब्लम इसका लास्ट है, ये 0.80 डिवाइडेड बाय 5। 0.80 को 5 से डिवाइड करना है, इसको पहले फ्रैक्शनल नंबर लिख लेंगे, इसका हो जाएगा 80/100 डिवाइडेड बाय 5/1। अब इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो होगा 80/100 इंटू 1/5। 5 और 80 आपस में डिवाइड हो सकते हैं 5 के टेबल से, ये होगा 5 1 5, 5 1 5, बच गया 3 इधर गया 30, ये हो गया 6 टाइम में 30, ये हो जाएगा 16/100। तो आपको पता है आप अगर डिनोमिनेटर में 20 है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से दो डिजिट के पहले एक डेसिमल लगेगा, यानी कि आंसर होगा 0.16 या 0.16।